दोस्तों घोसी का चुनाव उपचुनाव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश के नेता जो है इस समय गांव में उतर गए हैं और गांव गांव घूम के इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं और अपने अपने पार्टियों के लिए जो है वोट मांग रहे हैं। तो इसी क्रम में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि घोसी का क्या माहौल है और कौन कहाँ जो है विधायक होने वाला है और किसे किसके पक्ष में जो है वोट जा रहा है। एक बलिया से चल के यहाँ जो है महिला नेत्री है और यहाँ काफी मेहनत कर रही है, धूप में वोट मांग रही है। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम? सीमा राज। बागी बलिया? बागी मऊ। क्या माहौल है यहाँ? मऊ में नहीं, घोसी में। मऊ जिला पड़ता है? जी जी हाँ, मऊ जिले में। मऊ जिला है और गाँव गाँव घूम रही है। यहाँ क्या माहौल, लोगों का रुझान किस तरफ है? लोगों का रुझान साइकिल की तरफ है। सारे गाँव के जितने हम गाँव में जा रहे हैं सब रुझान सब साइकिल की तरफ ही है। ये कल एक जगह कार्यक्रम था, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीजेपी वालों ने जो है इनका ये ओम प्रकाश राजभर के जो पार्टी का झंडा है बीजेपी वालों ने उसको कल एक कार्यक्रम के तहत उस झंडे को उनके उतरवा दिया गया था और काफी उनके कार्यकर्ता नाराज भी होकर और बस लेके वहाँ से भाग गए। दो से तीन बस तक धड़ाधड़ हम वहीं पे, सुधाकर जी का वहाँ स्कूल था, हम जहाँ पे वोट का जो गिनती होती है जहाँ पे पेटी वेटी रखा जाता है वहीं चटिये पे बैठे थे, वहीं पे बैठ के हम चाय पी रहे थे, हम सब इन लोगों का तमाशा देख रहे थे। तो कल इन लोगों का झंडा फेंकवाया है, ठीक है, अच्छा है, जिसका कोई इज्जत सम्मान नहीं उसका यही हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक साथ ना है, मैं इनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? संगीता राजभर, जिला अध्यक्ष स्वाभिमान पार्टी है। कहाँ से जिला अध्यक्ष है? मऊ से। जी मऊ से। ये आप गाँव गाँव घूम रही है इस समय, वोट का क्या माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है। ओम प्रकाश राजभर तो दावा कर रहे हैं कि हम लोगों की जो बिरादरी हमारे साथ है और हम जो है वोट कराएंगे और भाजपा का ही प्रत्याशी में निकलेगा। उनके कहने से ऐसा हो जाता तो बहुत लोग उन्हीं को अपने दल में ले लेते हैं और सब लोग क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव जी नहीं है कि इनको अपने साथ बैठाए। अब कल की बात आप सीमा जी से सुनी है कि बीजेपी वालों ने उनका झंडा हटाया, कल उनको भी हटाएंगे। सब दल पढ़ा लिखा है। ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि हमारे लोग पियक्कड़ हैं और शाम को दारू पीते हैं, पी के उलटते हैं। तो कहाँ पढ़ा लिखा आपका बिरादर, वो जहाँ कहते हैं वहाँ वो जो है वोट करते हैं। कहते हैं कि शाम को 7 बजे मेरे बिरादरी के मेरे कौम के लोग हैं जो जितना पैसा कमाता होगा उतना मेरा कौम शाम को दारू पी के उलट जाता है। उसका दिमागवा जब नहीं काम करता है ना, जब नहीं काम करता है तो इसी कभी किसी को गाली देता है तो कभी किसी को कुछ बोलता है, कभी सपा में जाएगा जाने की करता है तो कभी भाजपा को गाली देता है। बार बार ये पार्टी बदलने का क्या मतलब है उनका, बार बार कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में ये जो है कूदते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब हमको समझ में नहीं आता है। आप समझ जाइए कि जिधर ज्यादा उनको लगता है कि यहाँ से हमारी सरकार बन जाएगी, यहाँ से हमारा इनकम बढ़ जाएगा, यहाँ से हम इतना पैसा कमा लेंगे, पैसे के लालच में बस इधर से उधर जाते हैं। मतलब आपकी कहने को धोखा देकर बस अपने लालच में रहते हैं। मतलब आपका कहना है कि वो पैसे के चक्कर में पार्टी बदलते हैं कि कहाँ हमको पद और पैसा मिले, बस यही उनका काम है, पैसा के लिए चलते हैं। बिरादरी को नहीं समझते हैं कि हमारा बिरादरी पढ़ा लिखा भी है, उसको कहीं किसी रोजी रोजगार में ले जाए। अगर ऐसा करता तो आज राजभर समाज उसके साथ देखिए क्या उसके साथ। राजभर समाज के लोग शिकायत भी करते हैं कि हम लोग कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता बहुत लोग हैं जो बहुत पहले से मेहनत करते हैं, मेहनत करते आए हैं उनके लिए, और जब टिकट का समय आता है तो टिकट दूसरे को दे देते हैं। वही देखिए मऊ जिला में खुद ही अब्बास अंसारी भैया वहाँ चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छा हम लोग उनका साथ दिए, लेकिन वही सोचिए कि कितनी इज्जत है वहाँ पे। अब वहाँ वोट देकर हम लोग कोई उनसे मिल ही नहीं पाते, क्या जरूरत है पैसा लेने की उनको। राजभर समाज परेशान होता है ना उनसे, अब वहाँ पैसा लेके चले गए मंगरू चाचा, विधायक जी भी गए जेल में, वहाँ की जनता कैसे रह रही होगी, ये क्या उनको समझ में नहीं आता है। माननीय अखिलेश यादव जी ने समर्थन दिया वहाँ पे, उनको पैसा दे के उन्होंने वोट दे टिकट दे दिया, अब वहाँ का हालात क्या देखिए ना। इनका ये मंगरू चाचा इनका नाम है, पियरका चाचा नाम है, और आपके जानने में इनका जो है कई नाम होगा इनका जो नाम है, जैसे में बताइए क्या क्या। जैसे में कहा पियकड़ है, खुद ही समझ लीजिए, जब वो पगलाता है तो पी के ऐसे ही बोलता है मंगरू चाचा, बिना लोटा का पेन ही इधर का। कई लोग उनका नाम जो हो गया है दल बदलू हो गया, पियरका चाचा हो गया है, हो गया है, बिन पेने का लोटी, बिना लोटे का पेनी हो रहा है, और कुछ जानते हैं तो बताइए। अरे भैया बहुत सारा नाम है, क्या हम बताएं आपको, बहुत सारा नाम है। पियर का चाचा अब जितना दिन यहाँ बोल लें, जैसे ही पार्टी को यहाँ वोट समाप्त होता है यहाँ से खुद गायब हो जाएंगे। हाँ गायब हो जाएंगे, गायब
भीख मंगाने की ट्रेनिंग दिलाते हैं ना, ये कहाँ जाएंगे? अखिलेश जी को तो सफाई भेज रहे थे, ये कहाँ जाएंगे? ये अब जाएंगे बनारस ना, वही बनारस में जाएंगे। और बनारस में जाके क्या करेंगे? मठ पे बैठेंगे, जो है बनेंगे का बनेंगे, वहाँ पे जाके। आपको क्या, आप लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से मैं यही निवेदन करूंगी आपके मीडिया के माध्यम से कि भैया आप लोग समझ जाइए, और यहाँ से घोसी से तो बहुत अच्छे वोटों से सुधाकर सिंह जीत रहे हैं, और उनको आप समझिए कि हमारे समाज के लोग कितने पीछे जा रहे हैं मंगरू चाचा की वजह से, वो इधर से उधर दल बदल के कितना बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं, आप लोग उनको ना समझकर आप समाजवादी पार्टी में हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।